equilateral by joining the midpoints of the sides of the rhombus, we'll get a rectangle. And now the question is, keep what second bench I'm taking. Now the question is that when we are having a rectangle outside and we join the midpoints of the quadrilateral to get a quadrilateral, then that will be a rhombus. That means when we are having rhombus outside, we proved that the inner quadrilateral will be a rectangle. And now we will prove that if we are having rectangle outside, then the inner quadrilateral will be a rhombus. Write down, first of all, make the figure. Write down, given a rectangle ABCD, in which P, Q, R and S, a rectangle ABCD in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, of which P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. This is given to us. We want to prove that, join kar do isko, P, Q, R, S is a rhombus. PQRS is a rhombus. This is what we want to prove. Now, when we did it like in the second question, that outside is a rhombus and inner quadrilateral is a rectangle. That was little difficult. Usme humare liye 90 degree ka angle prove karna, parallelogram to prove ho gaya tha inside wala using midpoint theorem. But ek 90 degree ka angle prove karne ke liye, we need to do the congruency of these two, then tino ka sum and all that. Bahut mushkil tha wo thoda sa. इसमें जब हमारे पास आउटसाइड रेक्टेंगल है और इनसाइड वाले को हमें रोम्बस प्रूफ करना है, दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट, आसानी से हो जाएगा ये. लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. जॉइन एसी एंड आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर ऑल्सो, दो तीन बार हमने कर लिया, दैट वी कैन इजिली प्रूव दैट दिस पी क्यू आर एस इज अ क्या, पैरलोग्राम. क्योंकि यहाँ पे दो दो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा. पी एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू हाफ ऑफ एसी. सो वी विल गेट पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर. सो पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम. पिछले क्वेश्चन के जैसे अपने आप ही करोगे. आई एम जस्ट राइटिंग हियर पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम एस प्रूव्ड अर्लियर. अपने आप करना है इसको. कैसे प्रूव करोगे? दो ट्राइंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा. कौन कौन से में? एसीडी में एक बार यूज किया मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरी बार एबीसी में. दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम जब लगेगा तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो गई. ये वाली साइड इसका हाफ है, ये वाली साइड भी इसका हाफ है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई. So one pair of opposite sides get equal as well as parallel. So PQRS is a parallelogram. First question में proof किया, second में भी proof किया, third अपने आप करोगे. Parallelogram ये हो गया. Now we need to prove it to be a rhombus. Being a parallelogram, opposite side तो इसकी equal आएगी. अगर इसकी adjacent side equal हो जाए, यानी कि साथ साथ वाली दो sides कोई भी equal हो जाए, तो हम उसको combine करके सारी sides की equality दिखा के इसको rhombus बोल सकते हैं. देखें जरा कैसे. क्योंकि हमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, सो वी विल टेक टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स, स्मॉलर ट्राइंगल्स. लाइक राइट डाउन एस ए पी इन ट्राइंगल एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी. ट्राइंगल क्यू बी पी, वी कंसिडर टू ट्राइंगल्स, वन फ्रॉम द लोअर पोर्शन स्मॉल ट्राइंगल एस ए पी एंड एडजेसेंट ट्राइंगल क्यू बी पी. दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए. पूछा मैंने आपसे, कीप क्वाइट डन. राइट डाउन एस ए इज इक्वल टू क्यू बी बिकॉज
डीए इक्वल टू सीबी, ये दोनों इक्वल है क्यों? बिकॉज एबीसीडी इज गिवन टू बी अ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड एसए इस एडी का क्या है? हाफ है, क्योंकि मिड पॉइंट है, और क्यूबी बीसी का क्या है? हाफ, एंड इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एसए इज इक्वल टू क्यूबी। हाँ जी, नहीं आप प्रूफ में भी लिख सकते हो तभी चलेगा। यस, नाउ राइट डाउन एपी इज इक्वल टू बीपी एस पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, एस पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एपी इज इक्वल टू बीपी। मोर ओवर दिस एंगल, इफ आई कंसिडर दिस एंगल ए एंड दिस एंगल बी, दे बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, 90 degree each. So by SAS rule, triangle SAP, this is congruent to triangle QBP. SAP is congruent to QBP. And when SAP is congruent to QBP, we can say that this SP is equal to QP by CPCP. इसको आप कह दो नंबर वन, एसपी इज इक्वल टू क्यूपी, कॉल इट टू बी नंबर वन। नाउ एस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज एसपी इज इक्वल टू आर क्यू, इक्वेशन नंबर टू, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर थ्री। Opposite sides of parallelogram are equal, so I am taking SP, this is equal to RQ, and the second side SR, this is equal to PQ. So three equations we have formed. Very soon we will prove that these all are equal by combining these three equations. Write down from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, listen, let us start with one side, I am taking this SP, SP is equal to QP. Equation number one में SP QP के equal है, और equation number two में ये SP किसके equal है? RQ के, इधर RQ लिख दो। Equation number three में ये QP किसके equal है? SR के। So अगर हम तीनों equations को combinedly use करें, तो what we are getting, all sides of parallelogram they comes out to be equal. And when all sides of parallelogram they come out to be equal, that becomes a rhombus. This implies PQRS is a rhombus. हाँ जी, कैसे मतलब? हाँ ऐसे भी एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ डेफिनेशन दैट इफ इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स गेट इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। डेफिनेशन तो यही है कि पैरेललोग्राम में यू बोथ, प्लीज माइंड इट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिहेव योर सेल्फ इन द क्लास। केशव एंड तुषार जी, आर यू प्लीज गो देयर, कम टू द फर्स्ट बेंच बोथ ऑफ यू, कम हियर। आई एम टेलिंग यू, हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। वैसे हमारी डेफिनेशन ये होती है दैट इफ इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स गेट इक्वल देन इट बिकम्स अ रोम्बस। हाउ इट बिकम्स अ रोम्बस, आई एम टेलिंग यू दैट इफ अ एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, दैट एक्चुअली मींस दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे दैट नाउ वी आर हैविंग पीक्यूआरएस एज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एडजेसेंट पेयर इज इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस, दैट विल बी सफिशिएंट। जस्ट टू गिव यू द बेटर पिक्चर ऑफ द आइडिया, आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम थ्री इक्वेशंस दैट हाउ इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, चलिए। So this was question number third. So you might have observed that in this question, to prove the parallelogram to be a rhombus, it's very easy. Just this congruency is leading us to the result. But when rhombus was outside and we need the inner one to be rectangle, that was difficult because in that question we have proved this congruency. ये congruency proof की थी, वहाँ से ये दोनों angles equal आए थे।
फिर इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होने से ये दोनों एंगल्स इक्वल आए थे, फिर हमने यहाँ का 180 और यहाँ का 180 यूज करके दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया था, दो एंगल्स कट गए थे, सिर्फ ये रह गया। सो व्हेन रेक्टेंगल रोम्बस इज आउटसाइड एंड वी नीड टू प्रूव रेक्टेंगल, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट व्हेन रेक्टेंगल इज आउटसाइड एंड वी नीड टू प्रूव द इनर वन टू बी द रोम्बस, दैट इज वेरी इजी, जस्ट दिस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, we are having a trapezium ABCD. Trapezium ABCD in which E is midpoint of AD, BD is the diagonal line EF. हाँ जी, let us read out the statement. So what is given to us? Sit properly, last bench. ABCD is given to be a dash. Bolo. Trapezium. ABCD is given to be a trapezium. हमारे पास trapezium given है ABCD. In which dash is parallel to dash. मैं इसको थोड़ा short में लिखने लगी हूँ. You please shut your mouth. Trapezium given है, one pair of sides parallel है, ये इतना अभी मैंने given लिखा है हमें. Naturally, when it is a trapezium, then one pair of sides is going to be parallel, and we are given that this parallel to this, and this is shown by the figure as well. Figure से भी हमें पता चल रहा है कि ये भी BC के parallel है. Then he says BD is diagonal, that you can see that BD is given to be a diagonal. BD, we are given it to be a diagonal. Right? Then it is given that, sit properly. Yes. E is midpoint of AD. ये जो side AD है, E हमें इसका midpoint given है. E is midpoint of AD. This is one more addition to the given, that E is midpoint of AD. The next is, Ishani, keep it in your bag. Yes, next, E is midpoint of AD. Hame given hai ki E AD ka midpoint hai. This is one addition to the given. And next he says, a line through E parallel to AB intersecting BC at F. Line through E parallel to AB intersecting BC at F. Look at the board. या वहां बाहर नहीं कोई आपको पढ़ा रहा, प्लीज इधर देखो. E से लाइन निकली, लाइन इज पासिंग थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F. दोबारा देखो, लाइन originates फ्रॉम E, स्टार्टिंग फ्रॉम E, मीटिंग BC एट F and is parallel to AB. Indirectly it means we are given that EF parallel to AB. So we are having this one more given addition to the given, that EF is parallel to AB. Sit straight and write side by side. EF is given parallel to AB. अपने गिवन में एक चीज ऐड कर लो, हम अपनी तरफ से इसको अज्यूम करेंगे या फिर हम स्टार्टिंग में अपने प्रूफ में लिख लेंगे. एनी हाउ, चलिए लेट अस राइट व्हाट वी वांट टू प्रूव. वी वांट टू प्रूव दैट दिस एफ इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी. सो व्हाट वी वांट टू प्रूव, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, कि ये जो एफ है वो बीसी का मिड पॉइंट है. प्रूफ करते समय सबसे पहले आप लिखो, लेट EF meets BD. Let EF meets BD at G. Actually, जब हमने EF बनाई तो वो EF सीधा ही BC को मिल नहीं पाई, उसको BD को क्रॉस करके जाना पड़ा. और जिस पॉइंट पे उसने BD को क्रॉस किया, we are taking that point to be G. उस पॉइंट को हम G ले रहे हैं. Once again, I'm repeating the given. A trapezium ABCD is given.
in which AB is given to be parallel to DC. This is going to be very important that E is midpoint of AD. This is the master given point of the given that we will utilize, that E is midpoint of AD. And moreover, the second one, that EF is parallel to AB, that is again going to be very important. And we need to prove that F is midpoint of BC. आपको याद होगा हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी और उसका कन्वर्स किया था. एंड आई टोल्ड यू दैट बोथ ऑफ द थिंग्स, वेदर इट इज थ्योरम और द कन्वर्स, बोथ विल बी अप्लाइड इन द केस ऑफ ट्राइंगल ओनली. एंड वी आर डूइंग द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, सो हम क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल को ढूंढते हैं और वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम या फिर कन्वर्स हम लगाते हैं. आई टोल्ड यू व्हेन देयर आर टू मिड पॉइंट्स यू विल अप्लाई थ्योरम, एंड व्हेन देयर इज वन मिड पॉइंट यू विल अप्लाई कन्वर्स. अब इस पूरी फिगर की बात करें तो हमें एक ही मिड पॉइंट पता है, दैट इज ई. दैट मींस इनडायरेक्टली इट इज टेलिंग अस दैट वी विल अप्लाई थ्योरम, सॉरी वी विल नॉट अप्लाई थ्योरम, वी विल अप्लाई कन्वर्स. एक मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ हमें कन्वर्स अप्लाई करना है. कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम वॉज, हाँ जी बेटे, आर यू लिसनिंग मी लास्ट बेंच? व्हेन आई एम डेमोंस्ट्रेटिंग समथिंग, आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो फिर आप क्या, तब क्या लिख रहे हो? जब लिखवाती हूँ तब लिखना नहीं कुछ. Listen, so converse of the midpoint theorem, it states that line through the midpoint of one side of the triangle. मैं यहाँ पे उस midpoint को कौन सा midpoint लूंगी? E लूंगी. अगर मैं E midpoint लूंगी तो उस E midpoint के accordingly मेरे को triangle कौन सा लेना चाहिए? DAB. तभी हम E को midpoint use कर सकते हैं. देखना, मैं थ्योरम स्टेट कर रही हूँ, आप अपने माइंड में उसको रिवाइंड करके देखना कि मैं अपने थ्योरम को इस क्वेश्चन में किसके साथ हम पर्टिकुलर चीज को रिलेट कर सकते हैं. लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, विच मिड पॉइंट इज हियर, विच ट्राइंगल इज हियर, डीएबी, एंड विच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हियर, डीए, जिसका मिड पॉइंट है. लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल which is parallel to the third side, उस पॉइंट में से निकलती हुई लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल भी तो होनी चाहिए. निकल कौन सी लाइन रही है मिड पॉइंट से? एफ तो बाहर चला गया, ट्राइंगल हमारा इतना है. हमारी साइड, हमारी लाइन कौन सी बन रही है मिड पॉइंट से? ईजी. ईजी इज द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट. इस लाइन को ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि ये लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल हो. किसके पैरेलल है? बिल्कुल ठीक, अगर ये पूरी लाइन एबी के पैरेलल है तो उसके रास्ते में आने वाली आधी लाइन भी एबी के क्या होगी? पैरेलल. यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल में कन्वर्स की कंडीशंस देखूं, बोथ द कंडीशंस ऑफ द कन्वर्स आर विद मी, दैट इज वन मिड पॉइंट एंड वन लाइन थ्रू द मिड पॉइंट पैरेलल टू द अदर साइड. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब दो मिड पॉइंट दिए होंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम, और जब एक मिड पॉइंट दिया होगा, अच्छा midpoint theorem will be applied when two midpoints are given and what we want to prove? Line is parallel. And converse will be applied when one midpoint is given and we have to prove? Another side, midpoint. Another midpoint हमें prove करना हो. Line through the midpoint of one side of the triangle which is parallel to the third side will bisect the remaining side. इसका मतलब ये हुआ, इसके midpoint से निकलने वाली line E, जो कि ईजी है और एबी के पैरेलल है, वो बची हुई साइड को जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट उस साइड का क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट. अब आपके माइंड में ये हो सकता है कि प्रूव एफ को मिड पॉइंट करना था, करी जी को जा रहे हैं, अभी पता चलेगा. पहले इतना लिखते हैं, राइट डाउन इन ट्राइंगल डीएबी, इन ट्राइंगल डीएबी ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एंड इस मिड पॉइंट से जो लाइन आई है ईजी, लेट मी रब दिस मच फिगर, यू विल देन बेटर अंडरस्टैंड. ईजी दिस इज पैरेलल टू एबी, ब्रैकेट में लिखो एज ईएफ पैरेलल टू एबी, क्योंकि ईएफ एबी के पैरेलल है तो नेचुरली ईजी भी जो है वो एबी के पैरेलल होगा. दो चीजें आ गई, तो ये दो चीजें ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का गिवन होती है. दिस इंप्लाइज G is midpoint of DB by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem.
बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. एक चीज आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अच्छा, yesterday I have posted one message in your group class group, that was for science maths club students. Not even a single response I am getting till now. Chalo, anyhow, you take your time and give me the best whatever you can do. But I just want to give you one example. One student of your class, Namnoor, is there? Haan, Namnoor. She has given a very good picture of a very good. मतलब she has converted whatever I am saying the idea in a very good way. मतलब same उसने किया जो मैंने कहा. आपको बस मैंने एक चीज लिख के भेजी है. Whatever you have done, you please write the material with the yourself. ठीक है, उसको हमने प्रिंट आउट नहीं, पिक्चर्स का प्रिंट आउट चलेगा, बट व्हाटएवर यू आर राइटिंग दैट इज टू बी डन प्रॉपरली. बड़ा अच्छा मैंने बोला था कि एक जो भी चीज आप बनाओगे आपने बताना है कि उसका प्रेजेंट सिनेरियो में मैथमेटिकल यूज किया है और पास्ट में उस चीज में कैसे मैथमेटिक्स यूज होता था या कैसे नहीं. इसने बड़ा अच्छा ब्रिजेस का इसने बनाया और साथ में ब्रिज नहीं होते. And she is writing, explaining that many bridges have multiple shapes, graphs, and different formulas are used to build bridges, like Pythagoras theorem, cosine method, ये वो जो भी. फिर past में इसने लिखा, in past years ago, mostly wooden bridges were found, and only for short distances they are used. Not much mathematical calculations were given. And not much mathematical shapes were used which make the bridges little weaker. तो ये सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया कि आपको जो भी चीज मिली है बनाने के लिए ये दो पॉइंट्स आपने जरूर लिखने हैं साथ में कि क्या उसका मैथमेटिकल. जैसे टाइम क्लॉक मैंने किसी को बनाने के लिए दिया हुआ है तो उसमें आई गिव द एग्जाम्पल कि पास्ट सिनेरियो में शेडो की हेल्प से, जो हमारे सन की शेडो की हेल्प से टाइम देखा जाता था और अभी मैथमेटिकल क्लॉक आ गया, ऐसा कुछ लिखना है आपने. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. चलिए कम बैक टू योर एंड आई वांट द बेस्ट थिंग यू पीपल विल मेक. चलिए, यस, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी. यहां तक हम पहुंच गए. लिसन, हमें क्या प्रूव करना है? व्हाट वी वांट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? एफ इज मिड पॉइंट ऑफ इट. इतनी फिकर अब मैंने रफ कर दी. एफ को हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है एंड वी नो दैट व्हेनेवर वी नीड टू प्रूव मिड पॉइंट वी विल नॉट अप्लाई थ्योरम, वी विल अप्लाई कन्वर्स. कन्वर्स अप्लाई करने की दो कंडीशंस, एक तो हमारे पास एक मिड पॉइंट हो. क्या इस ट्रायंगल में आपको कोई मिड पॉइंट दिख रहा है? जी. अब पता चला मैंने जी को मिड पॉइंट क्यों प्रूव किया था, इसलिए ताकि मैं एफ को मिड पॉइंट प्रूव कर सकूं. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जी को मिड पॉइंट प्रूव कर दे, वो जो कि हमने कर लिया. नाउ द थिंग इज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. वन इज वन मिड पॉइंट दैट आई एम हैविंग जी. अनदर थ्रू दैट मिड पॉइंट द लाइन व्हिच लाइन इज फॉर्मड हियर मिड पॉइंट से जी है, इट शुड पैरेलल टू सीडी. अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं देन ऑटोमेटिकली बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ विल बिकम मिड पॉइंट ऑफ बीसी. देखिए जरा कैसे विल प्रोसीड. राइट डाउन इन ट्राइंगल बीसीडी, in triangle BCD, G is midpoint of BD. G is midpoint of BD. अब मैं यहां पे लिखूंगी और साइड पे एक्सप्लेन करूंगी. मुझे दूसरी लाइन पैरेलल चाहिए एक जो कि मैं लिख रही हूं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ. GF is parallel to CD. Let us explain how. देखो, लिसन, लुक एट द बोर्ड. हमें गिवन है दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट? हमें तो ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है. दूसरा हमें गिवन था दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. आप ऐसा करो, ए बी कॉमन है ना, उसको उधर करो. सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड सेकेंड इज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सी केयरफुली, CD is parallel to AB and EF is parallel to AB. ठीक है, EF AB के parallel है और CD भी AB के parallel है. इस EF का
कौन सा हिस्सा मेरे रीसेंट प्रूफ में काम आने वाला है? जीएफ, जीएफ पे पहुंचे हम। अगर ईएफ एबी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली जीएफ भी एबी के पैरेलल हो गया, देयरफॉर जीएफ पैरेलल टू एबी। हमें तो ये जीएफ सीडी के पैरेलल चाहिए। इन दोनों को देखो ध्यान से, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस विल पैरेलल टू वन अनदर। सो सीडी पैरेलल टू एबी, जीएफ पैरेलल टू एबी, दिस इंप्लाइज जीएफ पैरेलल टू सीडी, दैट आई एम राइटिंग। देख लो एक्सप्लेनेशन साइड पे, समझ आ रही है? आई नीड वन मिड पॉइंट दैट आई हैव विद बी जी, आई नीड वन लाइन थ्रू दैट मिड पॉइंट टू बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल दैट आई टू हैव। सो नाउ वी कैन अप्लाई द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द रिमेनिंग साइड, दैट मींस दिस प्रूव्स दैट डैश इज मिड पॉइंट ऑफ डैश, F is midpoint of BC. Write down. Therefore, by converse of midpoint theorem, very important theorem is this. By converse of midpoint theorem, F is midpoint of BC. Those were the days when 9th ka paper board ki taraf se aata hota tha. Then this question, it used to come in board's paper. F is midpoint of BC. Iska matlab ye hua, इस ई से एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना डायरेक्टली इट वाज नॉट पॉसिबल, सो इन बिटवीन कौन आया? जी आया। हम ई से किसके पास पहुंचे? जी के पास, एंड थ्रू जी वी रीच टू एफ। एबीसीडी वाज ट्रेपेजियम, ई वाज मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वन पेयर ऑफ साइड इज गिवन टू बी पैरेलल, एंड एफ इज टू प्रूव टू बी मिड पॉइंट। वेरी इजिली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वी हैव प्रूव्ड इट दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। फिफ्थ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बेल कितने बजे होंगे, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यस साइड तो इक्वल देनी हुई, नॉन पैरेलल इक्वल होनी चाहिए। यस Yes, class, quiet. First two benches, boys, keep quiet. I noticed four boys in the class, so those who are continuously asking from here and there, their timings and all that. कोई बात नहीं बेटे, आज से आपका time खराब ना किया मैंने, तू बताना। चलो मैं जिसने कहा ना मैंने पूछा नहीं, सबसे पहले वही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ वॉच अपनी गले में लटका के घूमो, सारी दुनिया टाइम देखे आपकी। यस क्वेश्चन नंबर फाइव करने से पहले सिक्स करते हैं, फाइव थोड़ा लेंथी है, हो नहीं पाएगा, हम पहले फिफ्थ करेंगे। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, लुक एट योर बुक्स, शो दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन एक थ्योरम की फॉर्म में हमारे पास एक क्वेश्चन है, पर अगर हम इसका इसकी एक जो है की पॉइंट इसका समझ लें तो ये दो मिनट में हो जाएगा, और अगर ये की पॉइंट हमें भूल गया तो हम पेपर में कर ही नहीं पाएंगे इसको। लेट मी टेल यू हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ क्वाड्रिलेटरल, मेक ए क्वाड्रिलेटरल एंड टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, वी वॉन्ट टू प्रूव ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आती है। अगर मैं देखूं जरा ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके PR आ गया, और इधर से ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके SQ आ गया। मान लो कि O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। I want to prove that these two lines PR and SQ they are going to bisect each other. That PR and SQ they bisect each other. Line joining the midpoint of the opposite sides of a quadrilateral they are bisecting each other. सिर्फ एक चीज प्रूव कर दे हम, ये एक मिनट में। कुछ बच्चे कहते हैं बाइसेक्ट के लिए
हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल, बहुत बड़ी कॉन्ग्रेंसियां करके आते हैं पेपर में इक्वल प्रूफ करने के लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्वाइट। अगर हम सीधा ये प्रूफ कर दें कि ये जो दो लाइंस हैं इनके आसपास बनने वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो बी ये जो लाइंस हैं दो इस क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस के क्या बन रहे हैं? डायगोनल्स। एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाईसेक्ट ईच अदर। हो गया प्रूफ। चले राइट डाउन गिवन, वेरी इजी। गिवन लिखो, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी in which P, comma Q, comma R, comma S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. In which P, comma Q, comma R, comma S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Write down two proofs. PR and SQ bisect each other. PR and SQ bisect each other. Write down proof. Proof, join PQRS, join comma डाल के लिख लो PQRS एक quadrilateral बन गया। अब इस quadrilateral को parallelogram कैसे prove करना है? I think no need to explain। उसके लिए हमें एक construction करनी पड़ेगी, join AC। हो गया, इधर वाली साइड मिड पॉइंट थ्योरम लगा, ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में PQRS क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। राइट डाउन, PQRS इज अ पैरेललोग्राम एज प्रूव्ड अर्लियर। हाँ जी, नहीं पेपर में करके आना है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पहले चार क्वेश्चंस में कर चुके, तीन में PQRS पैरेललोग्राम ऐसे प्रूव किया। प्लीज एक लाइन लिखो, राइट डाउन ऑल्सो मैंने कहा राइट डाउन ऑल्सो PR and SQ आर इट्स डायगनल्स। आगे लिखो, एंड वी नो, बैठे रहो यहीं पे, इधर एंड वी नो डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other. Therefore, PR and SQ bisect each other. Hence, true. PQRS is a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore, PR and SQ bisect each other.